महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुडविन ज्वेलर्स जिसने काफी लोगों से इन्वेस्ट कराया और अचानक दीपावली से पहले ही अपना गुडविन ज्वेलर्स शोरूम बंद करके फरार हो गया। शोरूम बंद होने पर काफी हंगामा भी हुआ था। इस शोरूम के मालिक सुनील कुमार एकराकरण, सुधीर कुमार एकराकरण, ये दोनों फरार हो गए थे। इनके खिलाफ चीटिंग के मामले भी दर्ज हुए हैं। लोगों को भरोसा दिलाकर ज्यादा पैसे देने का लालच देकर लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे। ठाणे, डोंबिवली, नौपाड़ा, अंबरनाथ, पालघर, वसई, पुणे, नवी मुंबई में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। इस मामले की जांच ठाणे आर्थिक गुनेह शाखा कर रही है। ये दोनों भाई अपने पैतृक गांव केरल त्रिशूल में रह रहे थे, मगर अब खुद ये सुनील कुमार एकराकरण, सुधीर कुमार एकराकरण ने ठाणे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ठाणे में तीन निवेशकों से 25 करोड़ की चीटिंग की बात सामने आई है, जबकि इनके और तमाम मामलों की जांच की जा रही है। इनके अलावा इनके शोरूम, घर, बंगले, फार्म हाउस, वाहन, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट, LIC शेयर सब सील कर दिया गया है। इस गुडविन मामले में दोनों ने आत्मसमर्पण के बाद आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजय जाधव ने क्या बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठाणे में गुडविन ज्वेलर्स के खिलाफ डोंबिवली, नौपाड़ा और अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में ऑफेंसेस रजिस्टर है। इसके अलावा उन्होंने चीटिंग की है, ऐसा लोगों का जो कंप्लेंट है उसमें पालघर, वसई, पुणे, नई मुंबई और चेंबूर में भी उनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर है। जब इनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर हुए तब जो कंप्लेनेंट थे उसके अलावा अभी तक 1150 लोगों को उन्होंने चीट किया है। उनके उनसे इन्वेस्टमेंट लेके, उनके पैसे लेके उनको रिटर्न्स नहीं दिए हैं, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और अभी तक करीब करीब 25 करोड़ रुपए की ठाणे आयुक्तालय में जो तीन ऑफेंस है उसमें चीटिंग की है, ऐसा सामने आया है। जब ये ऑफेंसेस रजिस्टर हुए तब हमने तीन टीम्स फॉर्म करके केरल, तमिलनाडु यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। उनकी अब तक 26 जो प्रॉपर्टीज थी उनको सिक्योर किया गया है, सीज किया गया है। उसके अलावा उनके व्हीकल्स, 5 फोर व्हीलर्स, 2 टू व्हीलर्स, 9 बैंक अकाउंट सीज किए हैं। और जब इतना सारा होने के बाद आरोपियों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने आज MPID कोर्ट के सामने, ऑनरेबल MPID कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। और आज अभी उनको अरेस्ट करने की प्रोसीजर शुरू है। उसमें एक सुनील अकराकरण है और एक सुधीर अकराकरण है, ये दोनों मेन एक्यूज है इसमें, और इनके खिलाफ अभी केसेस रजिस्टर है और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।